ये दोस्तों हमारा रायपुर दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, गो 57 सेकंड। ओह माय गॉड, आज का वेट जरा देखा जाए, वाह भाई वाह, क्या प्रोग्रेस है दोस्तों, आज तो कमाल हो गया है, ये लड़का खुद उठ के यहाँ तक पहुंच चुका है। अरे बाप रे बाप, ये इतना चेंजेस कैसे आ रहा है, कुछ करना है। नहीं नहीं, ये लड़का जो है पिक्चर में आ चुका है। कौन सा लड़का? पूरा रिक्शा वाले में है ये लड़का। अच्छा, जब वो रिक्शा चला के आता है तो गांव में लड़का पीछे खड़े रहता है पान ठेले के पास, इसका चेहरा दिखता नहीं है पर ये है। फ्रंट रोल नहीं मिला इसको, मतलब ना अभी मतलब दबा के रखे हैं इसको, इंडस्ट्री में इतना उठने नहीं दे रहे, तो धीरे धीरे अब देखो फ्रंट रोल हीरो तक कब तक पहुंच पाता है। एक बार तो टोकरी में अंदर बैठा दिए थे उसको, सिर्फ टोकरी हिलना था, बोलेगी तूफान आएगा तो टोकरी हिलेगी, तो उसके लिए अंदर बैठा था ये उसकी। तो स्ट्रगल चल रहा है उसका भी, ठीक है देखते कर लेगा धीरे धीरे, लड़का टैलेंटेड है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज भी जो मेरा वेट है वो उतने का उतना ही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। आज दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को दोस्तों बोलना बंद कर रहा हूँ, दोस्तों बोल बोल के भाई तो दोस्तों हो गया है सीधा तो दोस्तों दिक्कत आ रही है यहीं पे गाड़ी लगाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा अंदर। क्या बात कर रहा है, इतना बड़ा व्लॉगर पैदल जाएगा, अब कैसे करते हैं, यही सच्चाई है यहाँ पर। वो आगे पेड़ का वो यूनिवर्सिटी ट्रैक के पास जाना है, गाड़ी को ले जाना तो मना है अभी नहीं, तो कुछ काम है ना वहाँ पे, वर्क है। क्या काम बताइए? वो सूट का है, सूट सूट शूटिंग का। आज मैं सुबह से उठ गया था पर तुषार सर की जो है शायद तबीयत आज कुछ खराब है, तो उन्होंने आज क्लास नहीं लगाई है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि फिटनेस तो हमको करना ही है, तो हम उससे कुछ अल्टरनेटिव खोज रहे हैं। तो हमारे भाई ने कहा कि एक ट्रैक है यहाँ पर, वहाँ चलते हैं, वहाँ थोड़ा दौड़े भागी करेंगे, तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं कैसा ट्रैक है, देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग सुबह से उठ के अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ये देखिए बीच रोड में भी कुछ लोग चालू हो गए हैं। ये दोस्तों हमारा रायपुर दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये कितने मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बताइए फिटनेस के लिए आप कुछ भी कर गुजरने वाले लोग हमारे रायपुर में। ये था यार, यहाँ पे आप लगा दीजिए पार्किंग। तो रुद्र भाई का आदेश आ गया कि गाड़ी को यहाँ लगा देना है, तो ये लीजिए हम गाड़ी यहाँ लगा दी। तो अब हम लोग आ चुके हैं व्यायामशाला में, ये हमारा यूनिवर्सिटी है, और अब जो है वाकई में यार यहाँ की हवा भी आज बहुत ज़ोरदार चल रही है, और ये देखिए ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड दोस्तों। ये जगह इतनी खतरनाक है ना, जो एक बार यहाँ आएगा वो हमेशा कैसे दिख रहा प्लेन। फुटबॉल ग्राउंड भी है, कितना प्यारा, यहाँ फुटबॉल खेला जा सकता है भाई, उधर भी है। तो यहाँ फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं लोग दोस्तों, फुटबॉल खेला जा सकता है। आप देख सकते हो मैं पीएसजी की जर्सी पहना हूँ, पीएसजी और बहुत अच्छा क्लब है, ऐसी बात नहीं है, नहीं बार्सिलोना तो हमारे दिल में है ही है, पर पीएसजी भी अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको सिनेमेटिक दिखाता हूँ, सही में इतना मजा आ रहा है भाई यहाँ, तो इससे हम कुछ कर सकते हैं, व्लॉगिंग का मौका हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये देखिए दोस्तों, हमारे व्लॉगर भाई लोग मिल गए हैं दोस्तों, और प्लीज हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें, नाम से एक बार जाना और सर्च मारना, और भाई से मिला तो भाई का अच्छा लगा। किसी व्लॉगर को कभी कोई व्लॉगर मिलता है दोस्तों, दिल से इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, तो वीडियो को शेयर जरूर करना गाइस, क्योंकि दो जब व्लॉगर मिलते हैं तो एक नई एनर्जी पैदा हो जाती है, जितने भी ब्लॉग देख रहे होंगे सब चार्ज हो गए क्यों दोस्तों। ये देखो हमारे कितने अच्छे भाई, क्या नाम है आपका? आशु। बताओ आशु भाई, आज सुबह सुबह मिल गए, जबकि रात में कभी देर देर तक चैटिंग किया करते थे, आज दिखाते हैं यार, बहुत सारे एथलीट हैं, कैसी होती है हमारे सुबह की वर्कआउट, कैसे हमारा रनिंग होता है। तो आज सही में मुझे आपके आके बहुत अच्छा लग रहा है, आज का मौसम भी कुछ अलग ही है, क्यों? आज धूप कम है। तो आप लोग कौन से ट्रेनिंग कर रहे हो? ट्रेनिंग का कर रहे हैं 800 मीटर स्प्रिंट, 800 मीटर स्प्रिंट, दो मिनट में। बाप रे, मैं कहाँ आ गया हूँ, गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ मैं? व्लॉगर भाई नहीं, अब तो कर रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ा। आप कितना कर लेते हो 2 मिनट में?
मैं दो मिनट नहीं, मतलब मैं देखता ही नहीं, ऐसे करते रहता हूं। लॉन्ग डिस्टेंस करता सीधा, लॉन्ग डिस्टेंस ना, मेरा भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। मीमर बन जाऊं क्या? तो दोस्तों, व्लॉगर से मीमर बनने की जो है यहां पे रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसी बहाने आपको बता देता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य ठेड़ी नाम से, बट अभी अभी क्या है, मेरे को व्लॉगिंग का कीड़ा काटा है, तो व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, प्रैंक भी कर रहा हूँ, दोनों भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब जो है यहाँ पर स्प्रिंटिंग चालू होने वाली, तो इसका एक सीन कवर करता हूँ। भाई साहब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सी दुनिया है ये, ऐसी भी दुनिया होती है क्या? ये सूरज की पहले की दुनिया। मेरे को तो लगता था कि सिर्फ मोमोज और मैगी खाने वाली दुनिया होती है। ओ, तो अभी हमको यहीं कट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ ही लोग आ गए हैं। और नंबर वन आ गए हैं हमारे भाई, नंबर टू आप आए हैं, चश्मा पहन कर भी इतने तेज दौड़ दिए, मैं क्या बताऊँ आपको। और हमारे व्लॉगर भाई भी कुछ कम नहीं है, एक नंबर यार, कैसे मुझे भी करना है यार ये। तो मैं इन लोगों से इंस्पायर होकर मैं भी देखता हूँ कि मैं कितने मिनट में, उन लोग डेढ़ मिनट में जो है एक राउंड कवर कर लिए थे, तो आज देखते हैं मैं कितने देर में कवर करता हूँ। पहले है ना उसको चालू करना, मैं एकदम प्रोफेशनल हूँ, मैं हाँ। किसी भी चीज में ऐसा कमजोर मत समझना मेरे को, ठीक है? चालू करूँ? ओके, 3, 2, 1 गो। इन्होंने 57 सेकंड में 400 मीटर का राउंड कंप्लीट कर लिया। 57 सेकंड। ओह माय गॉड। 57 सेकंड। बोला था ना कुछ भी कर सकता हूँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। Later that same evening. क्या रनिंग हो रही भाई, ऐसी रनिंग आज तक नहीं देखा हूं मैं। दोस्तों, यहाँ पर एक खुफिया तहखाना है, खुफिया तहखाना आप देख सकते, जल्दी आओ। ये देखो दोस्तों, ये खुफिया तहखाना है, इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी रकम छुपी हुई है। तो दोस्तों, किसी को मत बताना, हम इस पे आके एक दिन डकैती कर देंगे, ठीक है? व्लॉगर भाई जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो है मज़ा आ गया यहाँ पर आकर, और आज का मौसम वाकई में कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, क्या बोलते रुद्र भाई? आज का मौसम कुछ ज़ोरदार था, तो आज मज़ा आ गया। पर कल जो है तुषार सर की तबीयत ठीक हो चुकी होगी, तो कल जाएंगे हम लोग क्रॉसिंग। तो रुद्र भाई, मेरे को लगता है अब हम लोग को समोसा खा लेना चाहिए, क्योंकि मेहनत हम लोग बहुत कर चुके हैं। हमें नहीं लगता अभी खाना चाहिए। अभी नहीं खाएं? अभी नहीं खा सकते हम। एक्चुअली मैं उसको पोस्ट वर्कआउट के लिए लेना चाह रहा था, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज हमको पाजी मिले हैं, पाजी गेट तो खोलने दो। आज ब्लॉगर बन गए हो ना पाजी में? ब्लॉगर तो कब से बन गए? ब्लॉगर तो कब से बन गए? तो दोस्तों, अब हम लोग घर बस आए थे कि यहाँ पर जो है हमारे दो मित्र लोग और मिल गए हैं। ये हमारे पीठ भाई हैं, मैंग भाई हैं, जिन्हें ब्रश करके घूम रहे हैं। तो ब्रश कौन करता है? कभी शेर को? शेर करता है क्या? वो भी दाढ़ी देख के बोल देता बब्बर शेर। तो आप ये बताओ, आपने मेरा व्लॉग चैनल देखा? आपका व्लॉग चैनल नहीं, ये मैं एक व्लॉगर बन चुका हूँ। ओह माय गॉड यार, ये 4 दिन हो गया है, 4 दिन से आई एम अ व्लॉगर भाई। मैं फेसबुक से बाहर हो चुका हूँ, मैं यूट्यूब देखना बंद कर चुका हूँ, मैंने इंस्टाग्राम बंद करके रखा हुआ है। क्यों, मैं देखूंगा कैसे? क्यों किया आपने ऐसा? उसका कारण ये है कि ना समय खराब होता है। मोहल्ला प्रधान व्लॉग है यार। और मेरा नया फोन कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है आपका नया फोन, इसके साथ आपको एप्पल का लेकिन स्टिक लेना चाहिए था। 4 दिन से आई एम अ प्रोफेशनल व्लॉगर, कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं एक ब्लॉगर की तरफ फील करने लग गया हूँ आजकल। पूरे टाइम में एकदम आदमी पोटेंशियल में पड़ता है, अगले वाले को ना, अगले वाले को। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अपन तो सब मुंह हाथ धो के आ गए, अगला पता चला आंख में चिपड़ा लगा है, कुछ है। तो बोले भैया पूरा तो देखिएगा जरूर नटका शेडी ब्लॉग्स। कौन सोनू? प्रशांत साहू। हाँ, वो तो अपना है ना दोस्त यार, एकदम बढ़िया। हाँ तो भाई, अभी कुछ शिकायत थी?
हाँ वीडियो आपका वीडियो नहीं आ रहा, आपका वीडियो रेगुलर आना चाहिए, एंटरटेनमेंट सबका होते रहना चाहिए ऐसा ना। तो अब आपकी जो बातों को हमने इतना सीरियसली ले लिया है कि अभी आपको बता दें मैंने 30 डेज व्लॉग चैलेंज लिया है, 30 दिन में लगातार व्लॉग बनाऊंगा, जिसका आज ये चौथा एपिसोड शूट हो रहा है। तो चाचा नमस्ते करते हैं आपको चाचा के साथ। और जेसीबी में क्या जेसीबी जेसीबी में कुछ नया पोकलैंड जेसीबी? नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है अपना जो है प्रैंक भी आएगा है ना, अभी अपना न्यू पहले पहले न्यूज़ का जो प्रैंक है जिसमें आपका भी शूटिंग हो रहा है वो चालू हो चुका है, और अब आपको प्रैंक बहुत रेगुलर देखने मिलेंगे और ब्लॉग भी हमको आम होकर रोज देखने मिलेगा। तो आप नटकरशेड़ी व्लॉग्स को जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर चुका हूँ आपका ऑलरेडी। दोबारा सब्सक्राइब होता कैसे है, एक बार दबाओ तो होता है, दोबारा दबाओगे तो बाहर आ जाता है ना, तो ये तो बाहर आ गया, दो बार सब्सक्राइब क्यों बोल रहा है? दो बार क्यों आप? मैं नहीं, एक बार मेरे को नोटिफिकेशन आता है, मतलब एक बार सब्सक्राइब, एक ही बार किया ना। शक्तिमान क्यों चला गया है? शक्तिमान इसे चले गया है क्योंकि मुकेश खन्ना जी जो है उन्होंने कहा कि शक्तिमान नहीं बना सकते आप, उनका ऑर्डर है। तो ठीक है, पर फिर भी लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। क्या आप ज्वाइन करेंगे नटखट शेट्टी टीम को? नटखट नट्टू की तरफ से मैं राइटर बन सकता हूँ। और ये बताओ ये ब्लॉग मैं कब आएगा? ये आज एडिट हो जाएगा, कल सुबह देखने मिलेगा आपको। तो अब वक्त है फाइबर इंटेक का, और इसी क्वांटिटी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है जैसे जैसे माँ का प्यार बढ़ रहा है। इसको खा के नहा धो के हम पहुंचेंगे स्टूडियो जहां पर हम करेंगे एडिटिंग कल के ब्लॉग की, क्योंकि कल के ब्लॉग की एडिटिंग अभी तक नहीं हुई है। तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं।